विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि 6 नंबर में भी पूछ सकता है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक वर्ड जिसकी त्रिज्या आर है, इसमें दो जीवाएं ए बी और एस सी, तो ए बी और एस सी का है तो दोनों ए सी खींचा गया है क्योंकि दोनों में एक कॉमन है। इस प्रकार है कि ए बी है वो ए सी के दुगने के बराबर है, इसका मतलब ए बी जीवा है वो बड़ी है ए सी से। तो यहाँ डायग्राम जब आप बनाओ तो ऐसे बनाओ कि ए सी से वो ए बी है वो डबल लगे। तो यहाँ पर ये ए सी जीवा है और ये ए बी है, तो ए बी की दूरी आप यहाँ से ज्यादा और ये इसके पास मिला दीजिए जिससे ये डबल है, ए बी है वो ए सी से। और ए बी की जो केंद्र से दूरी है वो स्मॉल पी है और ए सी की जो दूरी है केंद्र से वो स्मॉल क्यू है और इसकी त्रिज्या आर है जो कि यहाँ पे ओ ए से प्रदर्शित है। तो ओ ए त्रिज्या आर है और ये दूरी ए बी की हो गई स्मॉल पी और ये ए सी की हो गई स्मॉल क्यू। तो यहाँ पे अपने बिंदु ए बी सी आया हुआ है तो ये डी बिंदु ले लेते हैं और ये इधर है वो ई बिंदु हो गया। तो ओ डी दूरी हो गई है, तो केंद्र से जो दूरी होती है वो लंबवत होती है इस पे। अब दोनों ये जो समकोण त्रिभुज बनेंगे इनमें अपने को पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ए ई रे डी ऐसे करोगे तो ये सवाल काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसमें मैंने इसको एसी को 2a मान लिया क्योंकि आप अगर इसको a भी मान सकते हो, a मान लो तो ये ए ई ए बाई 2 होएगा तो उसमें फिर आपको एलसीएम लेने वाला कंडीशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे AC को 2A मान ले लीजिए क्योंकि AC अगर आप 2A मानोगे तो इसका डबल करने पर AB आ जाएगा। तो AB कितना आ गया है, 4A आ गया है। अब ये 4A का आधा AD होगा क्योंकि ये केंद्र से जीवा पे लंब है, परपेंडिकुलर है, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो 4A का आधा ये हो गया 2A और इस AC का आधा हो गया A क्योंकि पूरा 2A है तो ये हो गया A और ये त्रिज्या हो गई अपने पास AO है वो R है। तो अब ये जो दो समकोण त्रिभुज है इनमें अपने पास सारी वैल्यू पड़ी है तो इनमें अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं जिसमें से R है ये क्या दोनों में कॉमन है क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज में कर्ण का काम करेगा। तो यहाँ पे अपन ने जो माना है, माना AC को अपन ने मान लिया है 2A। तो पहले ये जो आपने माना है वो सारी चीजें लिख देंगे। AC 2A है तो AE और EC ये दोनों क्या है इस AC के हाफ होंगे। तो ये क्या है 2A/2 हो गए तो ये कितना आ गया, A आ गया। तो AB क्या है कि AC का डबल है, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। तो AB का मान कितना आ गया 2 × 2A यानी आ गया 4A। तो AB का मान 4A आ गया। अपने को AD का मान चाहिए या आप DB का निकालो तो ये 4A का आधा हो जाएगा। तो 4A का आधा कितना हो गया 2A और AO ये क्या है त्रिज्या, इसका मान कितना दिया हुआ है R दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें अपने लिख ली है। अब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ADO में, समकोण त्रिभुज ADO के अंदर, समकोण त्रिभुज ADO में बोधायन प्रमेय लगाओ आप। तो बोधायन प्रमेय से अब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो PQ और R तीनों में आ रहा है। तो यहाँ बोधायन प्रमेय लगाते हैं। तो कर्ण कौन सा है यहाँ पे AO है, तो AO का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो AO का मान कितना है R, तो R का स्क्वायर बराबर AD कितना है 2A, तो 2A का स्क्वायर प्लस OD कितना है, OD है P तो ये स्मॉल p का स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर बराबर ये हो गया 4A स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हो गई 1। अब अपन त्रिभुज ले लेते हैं AEO समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज AEO में, समकोण त्रिभुज AEO में समकोण त्रिभुज AEO के अंदर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो यहाँ पर बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो बोधायन प्रमेय से कर्ण है यहाँ पे R यानी AO का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। AO का मान कितना है R, तो R का स्क्वायर। AE का मान कितना है A स्क्वायर प्लस OE का मान कितना है Q स्क्वायर, ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो पी क्यू आर में आ रहा है। इसका मतलब ए का एलिमिनेशन हो रहा है, ए को हटाना पड़ेगा तो ए स्क्वायर हटाएंगे तो एक समीकरण जो एक और दो नंबर है इसमें से एक से दूसरे में पर प्रतिस्थापित करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पर आप अगर समीकरण नंबर एक से ए स्क्वायर का मान निकालते हो तो फिर बट्टा में चार आएगा, इससे इजी रहेगा। समीकरण नंबर दो से ए स्क्वायर का मान निकालते हैं और वो एक समीकरण नंबर में रख देते हैं। तो यहाँ से आप अगर ए स्क्वायर का मान निकालते हो तो ए स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर इधर आके पक्षांतरण हो जाएगा, ये कौन से समीकरण में रख देते हैं, समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक में आप इसको रखते हो तो समीकरण एक ये है आर स्क्वायर बराबर ये चार गुणा में ए स्क्वायर का मान है तो चार का गुणा ए स्क्वायर ये मान है उसकी जगह आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आगे प्लस और ये है आगे पी स्क्वायर। तो ये जो मान है ब्रैकेट वाला वो ए स्क्वायर का मान है तो ये ब्रैकेट में पूरा गुणा चार से ही होगा। अब आर स्क्वायर बराबर चार का गुणा करोगे तो चार आर स्क्वायर माइनस चार का क्यू से करोगे तो चार क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब जो आंसर में आ रहा है वो चार क्यू स्क्वायर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो यहाँ पे आप इस चार क्यू स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, बाकी पी और आर है वो राइट साइड में आ रहे हैं तो इस आर स्क्वायर को इस साइड पक्षांतरण कर दीजिए। तो ये चार क्यू स्क्वायर इधर माइनस का है तो इस साइड आके प्लस का हो गया बराबर, इधर जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो चार आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर उस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया। अब इसमें एक आर स्क्वायर है वो चार आर स्क्वायर में घटेगा तो ये हो गया तीन आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये सिद्ध करना था आपको कि चार क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस तीन आर स्क्वायर, तो ये सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा नंबर में भी पूछ सकता है। मेन इसका ये डायग्राम जो कि आप बनाते हो तो पर्सना वाली जो थ्योरम वाली है उनमें डायग्राम एकदम सही होना चाहिए और प्रकार से आप वर्त को बढ़ा करके और जीवाओं को आप ध्यान से खींचे, जिससे डायग्राम अगर सही बना हुआ है तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे और पूरे में से पूरे नंबर ला पाओगे। अगर डायग्राम आपका दिखने में सही नहीं लग रहा है, आगे से डेरिवेशन पूरा सही है तो भी आपके नंबर कट सकते हैं, इसलिए डायग्राम को आप अच्छी तरह से बनाइएगा।